पाकिस्तान के लोग नहीं सुधरते नजर आ रहे हैं, इनसे हिंदुस्तान की सक्सेस हजम ही नहीं होती है। मैं देख के हैरान हूं कि पाकिस्तान की मीडिया यूट्यूबर्स चंद्रयान 3 को फेलियर बता रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अब पाकिस्तान भी चांद पे जाएगा। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे नए चैनल का लिंक है, प्लीज सब्सक्राइब करो। जो नए सब्सक्राइबर्स होंगे वो जीत सकते हैं टी शर्ट्स, और डिस्ट्रीब्यूट जब करूंगा तो टेलीग्राम पर पूरा अनाउंस करूंगा। मैं टेलीग्राम पर ही बताता हूं ये सब चीजें। सबसे पहले मिशन को समझ लो यार, मिशन क्या था, ताकि ये पाकिस्तानी अगर कोई देख रहा है तो उसको भी थोड़ा सा ब्राइफली मैं समझा पाऊं। देखो 30 अगस्त 2023 में इंडिया दुनिया का पहला देश बना जो मून के साउथ पोल पर लैंड हुआ। मिशन जो कंसिस्ट करता था वो लूनार लैंडर था विक्रम और रोवर प्रज्ञान। मिशन की जो ड्यूरेशन थी वो ये थी कि जो लूनार डे होगा साउथ पोल पे, यानी कि रात हो जाने से पहले जो अपना जो रोवर है वो थोड़ी सी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज रात के वक्त साउथ पोल पर टेम्परेचर -200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जो कि इतना लो है कि मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो वर्क नहीं करते, सिग्नल फिर धरती पे नहीं आता। तो जो मिशन था वो इसी ड्यूरेशन का था और इसी में ही उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, और जितने भी हमारे जो रोवर मिशंस होते हैं वो कुछ लिमिटेड ड्यूरेशन के ही होते हैं। एक ऑर्बिटर मिशन जो होते हैं वो तो लंबा जाते हैं, क्योंकि ऑर्बिटर जो होता है वो घूमता रहता है चांद के अराउंड, लेकिन जो कलेक्ट करने वाले मिशंस होते हैं वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन के होते हैं। सो हमारे विक्रम लैंडर 14 दिन के लिए उनको प्लैंड किया गया था, और सेम फॉर रोवर, उनको भी इसी तरह के लिए प्लैंड किया गया था। अब यहीं से अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानियों की कहानी शुरू होती है, और ये चाइना की चाट चाट के इतने बेवकूफ हो चुके हैं, इन्होंने अपने हाथ पैर ही कटवा लिए हैं। अब साला इनके दिमाग में दिमाग ही नहीं है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज इनके दिमाग में भरी हुई है, और ये अपनी ना असलियत पूरी दुनिया को, अपने देश की एजुकेशन पूरी दुनिया को दिखा के और बेइज्जती करवाते हैं। मन तो कर रहा है सतीश धवन स्टेशन से एक और रॉकेट छोड़ा जाए और इन जाहिलों के पीछे घुसा दिया जाए। पहले एक वीडियो देखिए और वीडियो को समझिए, फिर आपको थोड़ा सा विश्लेषण करके बताता हूं। इसरो काफी स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह चंद्रयान 3 से राबता हो पाए, लेकिन राबता नहीं हो पा रहा। चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है, सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज थी। एक बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के, ये होने लगा सिग्नल कोई आया नहीं उधर, और मुकम्मल अभी भी इंडिया कौन गई जा रही है, सब फेक था मैम। देखिए मेरी बात सुने, अगर ये रियल होता तो आज ये ना। अब इन जाहिलों को कौन बताए कि स्लीप मोड नाम की भी कोई चीज होती है। देखो ये गए नहीं है स्कूल कॉलेज, इनको कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ तो बच्चा भी बता देता है। देखो मैं बताता हूँ, जब चांद पर रात होनी थी तो इसरो ने पहले ही कहा था कि हम अपने रोवर लैंडर को स्लीप मोड में डालेंगे, क्योंकि फिर इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, क्योंकि 200 डिग्री से भी नीचे जाएगा माइनस में, तो इस वजह से उनको स्लीप मोड पर डाला गया। और इनका जो मुंह बोला बाप है चाइना, उसके तो एक साइंटिस्ट ने ये तक बोल दिया कि इंडिया साउथ पोल पर गए नहीं है, फेक क्लेम कर दिया। और जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने भी उस चीज को अभी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, उस दावे को नहीं बोला है कि ऐसा ऐसा इंडिया ने किया, पूरी दुनिया में जाके नहीं बोल रहा है। एक आर्टिकल छपा है जो कि एक साइंटिस्ट ने बोला, सिर्फ उसके बेसिस पे पाकिस्तान के लोग उछलने लगे। पाकिस्तान ने वो आर्टिकल कहीं से देख लिया और उस पर बोल रहा है कि इंडिया का जो मून मिशन है वो फेक है। अब क्या बताएं भाई, कितने बड़े लेवल के गधे हैं ना भैया, इनको कोई ये बताओ कि जब दो देश आपस में विरोधी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, रशिया के एक दो साइंटिस्ट आज भी बोलते हैं कि जो अमेरिका का अपोलो 11 मिशन है वो फेक है, ये बोलते हैं ना रशिया के साइंटिस्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रशिया और आपका अमेरिका ये दोनों आपस में नहीं बनती, तो वो कैसे मान ले, वो नहीं करेंगे। और जबकि रशियन गवर्नमेंट ने तक माना हुआ है कि वो जो मिशन है वो सच्चा है और एक्सेप्ट किया हुआ है। देखो क्या है ना, विरोधी देश सक्सेस नहीं पचा पाते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो वो भी बोलने का हक नहीं था यार, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी मतलब ना तुम्हारी इकॉनमी चल रही है ना, तुम्हारे फॉरेन रिजर्व में पैसे हैं, और तुम भैया इनको चांद पे जाने का भी शौक चढ़ गया है। अब चाइना से कह रहे हैं कि यार हमें किसी तरह चांद पर पहुंचाओ, चाइना के रॉकेट पर लटक के जाएंगे ये, और ये चांद पर जाना चाहते हैं। अबे दुनिया तुम पर थूकती है, अब लटक के चाइना के रॉकेट पे तुम जाना चाह रहे हो चांद पर। अबे चांद पे तो तुम्हें कोई बीक भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं, तो
कैसे तुमने मतलब ये उम्मीद कर ली? तुम किस हिसाब से अपने आप को सोच रहे हो कि तुम शकल देगी अपनी, चांद लाइक लग रहे हो तुम? तुम्हारे झंडे पे चांद है, वही बहुत बड़ी कामयाबी है तुम्हारी, दुनिया की सबसे बड़ी। जाके भीख मांगो कहीं पर और यही हरकतें करते रहो। बाकी चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना और ये वीडियो इन पाकिस्तानियों तक जरूर पहुंचाओ, उनको पता चलना चाहिए। बाकी कमेंट करो अपनी ओपिनियन और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।